बस कचरा इकट्ठा करता है, तो एक्सरसाइज करने की ये काम होता है एक्चुअल। तो सेग्रीगेशन सिर्फ एक इंडिकेटर में 200 नंबर का है, लेकिन मैं दिखाऊंगा कैसे 800 नंबर तक पहुंचता है। मैम इसमें जो रखा गया है डोर टू डोर कलेक्शन 100 नंबर का रखा गया है, लेकिन सेग्रीगेशन 200 नंबर का रखा गया है। मिनिस्ट्री को पता है कि यही काम नहीं होता है, तो उसी के नंबर ज्यादा रखे गए हैं। तो जो शहर बढ़ेगा वो आपसे गैप बहुत ज्यादा करेगा। बचा हुआ सामान बचा ही हुआ फेंकते होंगे रात में बाहर, तो दुकान वाले सारा भर जो फेंक देते हैं उसका आप क्या समाधान निकालेंगे बताइए? लोगों को अलग अलग करवाएंगे। देखो कहना नहीं है सिर्फ की मीटिंग में कह गए और हो गया, ऐसी चीज बताओ जो कर सकते हो, जो हो गई। और नमिता जी कह देंगे समस्या जो उन्होंने बताई थी अब इनको नहीं दिख रही वो समस्या, उनसे सेग्रीगेशन कराएंगे। समझो समस्या का रूट कॉज क्या है। आप कहते हैं कि जब वो सुबह आते हैं, क्योंकि आपकी गाड़ी जाएगी कितने बजे जाएगी बताइए एजेंसी वाले, आप कितने बजे डोर टू डोर कलेक्ट करेंगे कूड़ा? कुछ आपका टारगेट है कि एक गाड़ी इतने घंटे में इतने हाउस होल्ड कवर करती है, इतना वेस्ट कलेक्ट करके नहीं। जब रूट मैप ही नहीं होगा, टाइमिंग उसमें नहीं होगी, तो हम कवर नहीं कर पाएंगे। हमारी टाइमिंग, हमारा रूट मैप, हमारी मैन पावर सप्लाई, ये सब चीजें देखिए। एक तो टारगेट ये है कि बस शहर का कचरा उठा के जगह हमको डंपिंग ग्राउंड में फेंक देना है, एक तो हमारा ये तरीका। एक ये है कि हमको मेहनत कितनी भी लग जाए, टाइम कितना भी लग जाए, एनर्जी कितनी भी लग जाए, लेकिन हमको एक काम करना है, दो महीने में इसको अचीव करना है, उसके बाद हमारा रूटीन में आ जाएगा। एक ये है, एक एक्सरसाइज मैं बता देता हूँ आपको कि छोटी सी कैसे करते हैं। कैंप मार्केट है मैम, सारे मार्केट में है ये प्रॉब्लम, जितने भी ईटिंग जॉइंट्स हैं वहाँ क्या होता है, गाड़ी भी लगवा दी गई थी उन दिनों, और गाड़ी मार्केट में दिन में दो बार गाड़ी घूमती थी नगर परिषद की और कूड़ा लेते थे। लेकिन जो ईटिंग जॉइंट्स हैं वो क्या करते हैं कि रात के और सुबह जो सफाई कर्मी होते हैं बता दूं सभी बैठे हैं, सेग्रीगेशन तब तक नहीं होगा, क्योंकि सेग्रीगेशन वो चीज है जो डायरेक्टली कूड़े को टच करना है, और अगर हम अपने ही कूड़े को टच नहीं कर सकते तो हम दूसरे को नहीं कर सकते। आपका फेंके हुए कूड़े को मुझे टच करने में बड़ी दिक्कत होगी, लेकिन मैं अपने को ही कर सकता हूँ, ये उसकी एक सच्चाई है। इसकी चेयर है वो कभी भी आपको कचरे में नहीं मिलेगी, क्योंकि वो एक वैल्यू देती है। तो इन सब चीजों को हमको घर से सेग्रीगेट करना होगा। तो आपके जो टिप्पर है, जो जितने भी सफाई कर्मचारी है, एक्सरसाइज करके देखेगा कि कूड़े को गीला सूखा हजार्डस कम से कम तीन कैटेगरी, और फोर्थ कैटेगरी डोमेस्टिक बायोमेडिकल। बायोमेडिकल हमारा नहीं है, लेकिन डोमेस्टिक बायोमेडिकल हमारा है कलेक्शन। घर में जरूरी नहीं है कि हमको किसी का बहुत बड़ा इलाज ही करना है, बहुत बड़ी ड्रेसिंग का काम है, या स्लाइन लग रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन मेडिसिन सब किसी के घर में है, पेशेंट सो सकते हैं, इवन डायलिसिस तक के भी पेशेंट हो सकते हैं घर में, तो वो घर से निकलने वाला कचरा है। इनको बस अभी इसी हफ्ते काम अलॉट हुआ है, ये इसीलिए मैंने इनको बुलाया। इससे पहले नहीं कर रहे हैं जी? रेवाड़ी, रेवाड़ी। तो फिर तो आपका एक्सपीरियंस आप एक बार बताएंगे कैसे करते हैं रोड टू डोर? हमने गाड़ियाँ क्या फैसिलिटी है टाटा इसमें पार्टीजन से अलग, और कितने लोग उस पर हैं? दो लोग हैं। मतलब मुझे एक ऐसा आप बता दीजिए कि मेरे घर से कचरा लेना है तो आप लोगों की गाड़ी क्या काम करती है, कैसे आप लेते हैं, कैसा मतलब करते हैं मुझे इस तरीके से? हमारी गाड़ी का एक टाइम टेबल है, फिक्स टाइम, और उस पर माइक लगा हुआ है। माइक में वो एक तो स्लोगन चलता है स्वच्छ भारत मिशन का, और साथ में ये बोलते हैं कि ऐसे ऐसे मतलब गाड़ी आ गई है। तो मतलब सेग्रीगेशन में क्या करते हैं? सेग्रीगेशन में तो अभी सिर्फ अलग अलग करते हैं, जैसे प्लास्टिक वगैरह अलग। बिल्कुल यू सर, कितना सेग्रीगेशन होगा 8% में अभी? 40% देना है। हाँ, ये एजेंसी जो है एक वो वर्क ऑर्डर अभी मतलब काम अलॉट इस हफ्ते ही हुआ है। मैं आपको ये बताऊंगा कि सेग्रीगेशन ही क्या करना है, सेग्रीगेशन इम्पोर्टेंट क्यों है, और सिर्फ एक सेग्रीगेशन आपका सर्वेक्षण का कितने मार्क्स रखता है, एक अकेला सेग्रीगेशन वो कितने नंबर आपको अकेला दिला सकता है। तो सिर्फ दो पार्टीजन से काम नहीं चलेगा, नंबर ऑफ पार्टीजन आपको बढ़ाने पड़ेंगे, भले ही आपके एग्रीमेंट में वो नहीं हो, लेकिन सिटी के लिए, सिटीजन को सर्विस देने के लिए, मार्किंग लेने के लिए, अपने काम को इम्प्रूव करने के लिए, उसे नंबर ऑफ पार्टीजन अब हम बढ़ाएंगे, दो से आगे बढ़ेंगे। दो तो हमको सिखाते सिखाते बहुत टाइम हो गया लंबा, ठीक है जी। एक तो सबसे पहला कंपोनेंट है, मैं जल्दी जल्दी एक बार थोड़ा फिनिश करूंगा, कि डोर टू डोर हमको करना है, जो हमको 100% अचीव करना है किसी भी ईयर में। एसडब्ल्यू 2016 में आ चुका है,
कि हमको अब हर घर से कचरा लेना है, कोई भी कचरा फेंकने बाहर नहीं जाएगा, कोई भी डंपिंग पॉइंट नहीं बनेगा, कोई भी जीबीपी नहीं बनेगा। पहले लोग होते थे जिसके घर से नहीं जा रहा, चलो डस्टबिन में फेंक दिया या कहीं कोने में फेंक दिया, वो नहीं होगा, हर किसी के घर से कचरा उठेगा। ये हमको इंश्योर करना है, अवेयरनेस का काम आप कर रहे हैं रेजिडेंशियल में भी, कमर्शियल में भी, इंस्टीट्यूशनल में भी। और जो ये बॉटल प्लास्टिक की बॉटल है, इनमें पॉलिथीन भर भर के इनको इको ब्रिक्स बनाने का काम शुरू किया गया है।